अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरा। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हमारे स्टूडियो में परभनी विधानसभा मतदार संघ के अपक्ष उम्मीदवार गोविंद भैया रामराव देशमुख मौजूद हैं। इन्होंने जिला परिषद शेरगांव सर्कल से, लोग इन्हें चाहते हैं परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गोविंद भैया, परभनी आज तक के स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। अगर आप परभनी विधानसभा मतदार संघ में अगर चुनकर आए तो किस नजर से देखना पसंद करेंगे आप? सबको सलाम मियां भाई। परभनी में जो मियां भाई के वोट पे दारोमदार है फिलहाल, तो भी परभनी शहर में 37 उम्मीदवार, 37 नगर सेवक मियां भाई है। परभनी में विकास क्यों नहीं होता? परभनी का आमदार नगर विकास मंत्री को बोल के महानगर पालिका में निधि नहीं डालता, ग्राम पंचायत के ग्राम विकास मंत्री को बोल के निधि नहीं डालता, इसके वजह से परभनी विधानसभा में विकास नहीं हो रहा। आप मेरे को अल्लाह मियाँ के दुआ से, आपने सबने मेरे वास्ते नमाज पढ़ी और नमाज में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा परभनी विधानसभा से। और परभनी विधानसभा का विकास करने का तरीका जो है वो नया नहीं है। अपना महाराष्ट्र मंत्रिमंडल जो है, विधान परिषद, विधानसभा, तो विधानसभा में नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री और ग्राम विकास मंत्री, ये तीनों मिलके परभनी विधानसभा में निधि डालने के वास्ते मैं ज़्यादा से ज़्यादा निधि परभनी महानगर पालिका के वास्ते और ग्राम पंचायत के वास्ते मैं मांगूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा विकास परभनी का कैसा होगा, बड़े बड़े रास्ते कैसे होंगे, एम्बुलेंस घर तक पहुँचना चाहिए, हर किसी को अटैक आता, गली दो दो तीन तीन फीट की गली मोहल्ले में। परभनी बोल रही तो बड़ा खेड़ा हो गया, परभनी में 57 गांव है और परभनी भी एक बड़ा गांव है, ऐसे 58 गांव है। ये गांव को शहर बनाने के वास्ते आप मेरे लिए एक वोट देना जरूरी है। एक वोट की अहमियत खाली गोविंद देशमुख पेड़गांवकर ही जानता है और आप सब पनागजी लोगों को आज तक चुन के देते हैं। परभनी का दिल बहुत बड़ा है, परभनी गए 20 साल से, लातूर के आदमी को 10 साल चुन के दिए, उस्मानाबाद के आदमी को 10 साल चुन के दिए। ओ आदमी उधर के बोल रहे कि परभनी विधानसभा में जो भी उम्मीदवार खड़े रहेगा परभनी विधानसभा के, सब हर उम्मीदवार का डिपॉजिट बुक करेगा। परभनी विधानसभा के वोटर ये परभनी विधानसभा में के है और उस्मानाबाद का आदमी ऐसा बोल रहा है तो मेरे को जरा सा ये बात कुछ खटकती रही कि आपुन हमारे मेरे माँ बाप पूरे परभनी विधानसभा के वोटर मेरे माँ बाप है और मेरे माँ बाप मेहमानों को खाना खिलाने का अपने पास सोच है। आप उन लातूर वाले को दो बार खाना ही नहीं खिलाते, उनको आमदार बनाते, उनको खासदार बनाते, उस्मानाबाद वाले को भी दो बार आमदार बनाया, पर उन्होंने खुद के वास्ते मेडिकल कॉलेज डाले और युति और ये आघाड़ी वाले सब संस्था चालक उम्मीदवार दे दिए। मेरे जैसा नौजवान, मैं खाली पब्लिक की जनता के हेलो बोले तो आलो मनारा में कार्यकर्ता है। परभनी आसो, दवाखाना आसो, आयुष्यामी मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मान्यता और बिल्डिंग कैसे फटक से बन जाए इसके वास्ते मैं आरोग्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग परभनी के वास्ते लेके आऊँगा। परभनी के जो 37 नगर सेवक मियाँ भाई है उनको एक रुपए का भी नहीं दिए 10 साल में, ये अभी के जो MLA इन्होंने नहीं दिए और ये जात पात देखने वाले आदमी है और मियाँ भाई के वोट पे नजर रखे हुए है। मियाँ भाई का दिल बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह मैं चाहूंगा सब मियाँ भाई को मैं गुजारिश करता हूँ आपके आज तक के चैनल की तरफ से कि मियाँ भाई आपका वोट जाया नहीं जाएगा, एक एक बार दम दिखाते दम दिखाओ और एक आजाद उम्मीदवार को चुन के दिखाओ। आजाद उम्मीदवार को वोट डालना वो जिगर की बात है, आप जिगर वाले हो, एक वोट जरूरी है और एक वोट विकास के वास्ते डालो, गोविंद देशमुख के वास्ते मत डालो। आपका एक वोट मेरे को अखिल भाई बोले, रिपोर्टर आज तक वाले, आप आ जाइए। मैं बोला मैं आके कहाँ, वहां क्या करूंगा, मेरी पोल चीट नहीं, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, दो बार खासदारी को डिपॉजिट गुल हो गया, दो बार आमदारी को डिपॉजिट गुल हो गया। परभनी के लोग मेरे को खाली गिराते, मेहमानों को चुन के लाते और मेरे को गिराते, ऐसा क्यों हो? मैं बच्चा हूँ, घर का हूँ, आप मेरे को मारते गिरते सब करते और बाहर का आदमी पनागजी आदमी को आप चुन के दे रहे,
पनागा जी आदमी डिपॉजिट गुल करने की बातें कर रहा है, और बंबई के वो उन उसके पार्टी के छोकरे को लाके जगह जर्मनी भारत परभनी ऐसा बड़प्पन बता के परभनी के लोगों को दिशा भूल कर रहा है। डॉक्टर भूल देना ऑपरेशन करते हैं, राजकारण दिशा भूल कर राजकारण करते अशातला प्रकार झाला। हम समाजकारणी आदमी है, हम इंसानियत देखने वाले आदमी है। परभनी के हर नौजवान को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप घर से बाहर निकालो, निकल के सबको बोलो कि गोविंद भाई आजाद खड़ा है, आपके रोजगार का मसला आ गया, आपके राशन कार्ड का मसला आ गया, आपको कुछ भी रहा तो गोविंद भाई देशमुख आपके वास्ते आधी रात दिन में खड़ा है और हर समय खड़ा रहेगा। आज तक को मैं इतनी पुत्रों गुजारिश करता हूं। है हम, विकास का मुद्दा क्या रहने वाला है आपका? भारत में कहां पे भी जाके आप कहां पे भी इलेक्शन लड़ा सकते हैं। ये भूमि पुत्र भूमि पुत्र आप उन सब इंडियन है, भारतीय है, और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि उस्मानाबाद का आदमी ये परभणी का आदमी है। खाली मैं बोल रहा हूँ कि परभणी वाले को कि 10 साल अपन ने लातूर वाले को आमदार बनाए, 10 साल अपन ने उस्मानाबाद वाले को आमदार बनाए। मैं आपका लड़का आपका भाई बोल के मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खाली एक वोट आपके विकास के वास्ते मेरे को देना चाहिए, और जरा दुआ करना चाहिए अल्लाह मियाँ को कि गोविंद भाई चुन के आ जाए इंशाल्लाह, सारे परभणी के चेहरा मोहरा बदलने के वास्ते। हर खड्ड्यात परभणी, परभणीत खड्डा, ये जगह जर्मनी भारतात परभणी है, परभणी मध्ये असं सब पनागजी आमदार खासदार यहाँ पे बन गए। और मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि परभणी मेरे माँ बाप जनता जनार्दन कि आप परभणी का मैं आपका लड़का बोल के उनको 20 साल से उन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक भी रास्ता नहीं बनाया। ये रास्ता बनाने का काम नगर सेवक का है, पर नगर विकास मंत्री के तरफ से महानगर पालिका को निधि डालने का काम ये एमएलए का आमदार का रहता है। ये रास्ता नाली बनाने के काम ग्राम पंचायत का रहता, पर ग्राम विकास मंत्री को बोल के बजट डालने का काम आमदार का रहता है। इसने एक भी काम नहीं किया। इसने खुद के वास्ते मेडिकल कॉलेज बनाया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाया पात्री विधानसभा में, सूदगिरनी बनाई गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ में, वसमत विधानसभा में बीएमएस कॉलेज बनाया। ये संस्था चालक है, उसके सामने का जो अपोजिट यूटीवी का उम्मीदवार है वो भी संस्था चालक, दोनों संस्था चालक को टिकट दे रहे क्या? क्यों टिकट दे रहे संस्था चालक को और पनागजी आदमी को, जिसका एक वोट खुद का भी यहाँ पे नहीं है। मेरा यहाँ का ननियाल है, मेरा ये मेरी भूमि है, यहाँ पे मैं कर्म भूमि भूमि पुत्र हूँ, ये इसकी वजह से इसके बावजूद भी मेरे को वोट नहीं डाल रहे, ये बहुत दर्दनाक और शर्मनाक बात मेरे वास्ते। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आपको सबको मैं गुजारिश करता हूँ जरा मेरे वास्ते दुआ करो और एक वोट दिल बड़ा करके आजाद उम्मीदवार को डालो। गोविंद भैया देशमुख, इनके क्या ख्यालात है, इन्होंने इजहार किया उसका? अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक, मैं हूं आरा, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लैंड कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है, और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है, और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए, जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं। ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर
लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल कराकर दी गई है, और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए, 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है, और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है, सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है, और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है, और यहाँ इस तरह से इंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22x40 के प्लॉट्स है, और 22x40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने दो झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन, और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सेंक्शन कराकर ये डीपी, और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है, और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है, हर झाड़ को महफूज रखा गया है, और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है, हर प्लॉट पर यहां पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहां पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है, तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। नेहबू पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी।